पूछा गया इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट लेबर्स हु केम बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। तो कोविड-19 जो लॉकडाउन लगाया गया था उसकी वजह से जो माइग्रेंट लेबर्स अपने अपने स्टेट्स के अंदर वापिस आ गए, अपनी अपनी जगह पर अपने अपने नेटिव प्लेसेस में वापिस आ गए, उनके लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। सेकेंड, अंडर द स्कीम माइग्रेंट लेबर्स इन 116 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 6 स्टेट्स पंजाब हरियाणा यूपी बिहार उड़ीसा झारखंड उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो थी वो प्रोवाइड करी गई। अभियान विल बी अ कन्वर्जेंट एफर्ट बिटवीन 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। तो इसमें 12 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो है उनके बीच में कन्वर्जेंट तौर पे एफर्ट्स किए जा रहे हैं और इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाया जा रहा है। सोचिए फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन और ये भी देखेंगे कि ऐसा क्या था न्यूज में कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश ने अभी एक डेटा रिलीज किया, उसी हिसाब से बताया गया है कि मध्य प्रदेश है सेटअप द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोलर पंप। सबसे ज्यादा सोलर पंप जो यहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए वो कहाँ किए गए, वो मध्य प्रदेश में करे गए और ये एक अचीवमेंट करी गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर। यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था, टारगेट रखा गया था कि 3490 यहाँ पे हमारे जो सोलर पंप है उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसमें से 3224 जो सोलर पंप्स हैं उनको एस्टैब्लिश किया गया और एक सक्सेस रेशियो हमारा 92.4% का रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए जब भी हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान हमने शुरू किया या महात्मा गांधी नरेगा हमने शुरू किया तो वहां पे जो मकसद है वो सिर्फ पैसा बांटना नहीं है, वहां पे किसी ना किसी तरीके की एसेट को क्रिएट करना भी है। और ऐसा एमजी नरेगा में हमने बार बार देखा है न्यूज़पेपर के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि यस एसेट्स क्रिएट करी जा रही है, कुछ लोग कहते हैं एसेट्स क्रिएट नहीं करी जा रही। यहाँ पे मध्य प्रदेश ने प्रूव कर दिया है कि जो यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी गई थी उसका कुछ मकसद भी निकला है। बेसिकली जो पैसा दिया गया है यहाँ पर लोगों को काम करने का, लोगों ने आउटपुट भी दिखाया है जिससे पता चल रहा है कि यस जो स्कीम है हमारी राइट डायरेक्शन में जा रही है और बाकी के स्टेट्स भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं और अपना अपना डेटा जो है वो रिलीज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो यस कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पे आप जानते हैं बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे थे जिनकी खुद की जॉब चली गई थी, जो अपना डेली मजदूरी किया करते थे, दिहाड़ी पे काम किया करते थे, उनका काम चला गया था और वो लोग वापस अपनी अपनी जगह पर आए और उनको ये काम दिया गया और उन्होंने ये जो एक सक्सेसफुल एक अचीवमेंट जो करके दिखाई है मध्य प्रदेश के अंदर वो आपके सामने है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो ये भी करेक्ट है, इसमें 12 डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं वो मिलकर काम कर रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस किस एरियाज के अंदर इसको लेके आया गया था। यहाँ पे 116 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे उनको सिलेक्ट किया गया था ऑफ 6 स्टेट्स जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर्स जो होते हैं काम करते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है एंड झारखंड है। तो यहाँ पे अगर आप स्टेट्स के नाम देखेंगे पंजाब हरियाणा इसमें गलत दिया हुआ है तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इट इज अ फोकस्ड कैंपेन ऑफ 125 डेज अक्रॉस 116 डिस्ट्रिक्ट्स। तो 116 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि 6 स्टेट से आते हैं, मैंने नाम आपको बता दिए, वहां पर इसे मिशन मोड तरीके से चलाया गया था और इसके जो रिजल्ट्स हैं हमने देखा है काफी अच्छा है। पब्लिक वर्क्स वर्थ 50,000 करोड़ रुपीज टू बी कैरिड आउट अंडर द स्कीम। 50,000 करोड़ तक का काम जो इसके अंदर कराया जा रहा है एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 25 डिफरेंट तरीके के जो काम है इसके अंदर कराए जा रहे हैं जिसमें से सोलर पंप भी एक था जो कि अभी आपने यहाँ पर देखा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे बता रखे किस स्टेट में से कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो बिहार में से सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर और झारखंड में से सबसे कम है यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं ये भी बता रखे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसके बारे में हमने 2 से 3 बार जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस किया और जब ये नई नई चीज आई थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तब भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। चलिए